जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज नेशनल प्रेस डे है और इसमें टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या रोल है। तो आप बताइए राष्ट्र निर्माण में मीडिया क्या रोल है। आज हम लोग आए हैं होटल स्नो वैली, वहाँ पे प्रोग्राम है जहाँ पे डीसी साहब भी आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, यहाँ जो लोग हैं जानेंगे आखिर क्या चल रहा है। लोग भाषण दे रहे हैं, मीडिया के लोग, और पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग अटेंड कर रहे हैं, पहले हम लोग नहीं अटेंड करते। विनोद, पहले आए हो कभी प्रेस डे में? हम लोग शायद पहली बार आ रहे हैं और टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या रोल है। रोल है भी कि नहीं वो आप लोग बताइएगा, लेकिन हम लोग के हिसाब से लगता है कि बहुत बड़ा रोल है। सब मीडिया कर्मियों को यही लगता है कि वो बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं राष्ट्र निर्माण में। क्या ये सच है, ये आप ही लोग बता सकते हैं कितना रोल हम लोग का है। तो यही है, अभी प्रोग्राम में है, कुछ भाषण चल रहे हैं, वो सुनेंगे। सारे मीडिया कर्मी जो यहाँ आए हैं उनको हम लोग दिखाएंगे और चेहरा। क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह, प्रेस फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर, नाम बोलिए। प्रशांत, प्रेस आवाज। क्या नाम है आपका? मोनिका भारती, प्रेस नहीं, मैं आईपीआरडी। नाम बोलिए। सागर कुमार, रांची एक्सप्रेस अखबार। नेशन बिल्डिंग में मीडिया का क्या रोल है? क्या नेशन राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या रोल है? मीडिया का बिल्कुल ही अहम भूमिका रहता है एक राष्ट्र निर्माण में, चाहे वो कोई भी निर्माण में हो, हम लोगों का भूमिका बहुत ही अहम रहता है। सच में है? सच में है, लाइव है आप? हाँ बिल्कुल सच में। अनुज कुमार संगे, हिंदी खबर। राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या रोल है? बहुत अहम भूमिका है। सच में क्या है? सबको पारदर्शी के रूप में प्रकार के माध्यम से ही सबको दिखाया जाता है, बताया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। तो देखिए, अभी दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं जो भाषण दे रहे हैं और यहाँ लगभग सभी मीडिया कर्मी अलग अलग प्रखंड से भी यहाँ पे आए हैं और नेशन बिल्डिंग में जो रोल है वो वक्ता सुन रहे हैं। यहाँ मंच में डीसी मैडम हैं, पुराने पत्रकार अभिजीत सेन जी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, उल्ला सादिक सर हैं, और अभी जो भाषण चल रहा है वो उमेश राणा जी हैं और दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ है। लाइट अभी चली गई है, माइक में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आइए लोगों से बात करते हैं, कौन लोग कहाँ से आए ये जानेंगे। यहाँ मेरे साथ युवा पत्रकार भी हैं। रवि, नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है यार, राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या रोल है? देखिए भैया, मीडिया का रोल तो बहुत है, पहले भी रहा, मीडिया का रोल बहुत है, अब इस वक्त भी रोल बहुत है, लेकिन अब जिस तरह समाज पे या प्रेस पत्रकारिता क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का जितना अहम रोल दिख रहा है, उस हिसाब से जो नेशनल चैनल हो गए, नेशनल अखबार हो गए, उन लोगों का रोल अब लगता है कि धीरे 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 कम हो रहा है। और लोग अब जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया है, उसी तरह लोग अब सोशल मीडिया आत्मनिर्भर पत्रकार के लाइन में जा रहे हैं। कोई भी लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी लाइन में मीडिया का अहम भूमिका निभा रहे हैं, अपना मोहल्ला का हो, अपना देश का हो, अपना शहर का हो, कोई भी लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके जो अपना अहम योगदान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेशनल चैनल नेशनल अखबार को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हैं। और आने वाला समय में हो सकता है कि अखबार अब हम लोगों से दूर जाता जा रहा है और दूर जाने की क्षेत्र में बढ़ चुका है। हाँ धन्यवाद। देखिए किस तरह से बोला जा रहा है कि डिजिटल हो रहा है, देश डिजिटल हो रहा है। क्या नाम है? नाम लोग प्रदीप पाठक कहा करते हैं, और आज देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष में राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया का क्या रोल है? अभी तो बहुत दिक्कत है। हाँ। अभी जो मीडिया है, इसको आप जो देख रहे हैं, हम लोग सभी लिख रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ। काम कर रही है, चारों तरफ से दबाव है। दबाव है इसलिए दबाव है, आप पत्रकारिता करते हैं, आप बताइए, आपसे नहीं, हम आप पत्रकारिता करते हैं, आप खुद समझें। किसी भी संस्था आपको
मंथली नहीं देती, महीनेवारी नहीं देती। जब आप न्यूज कवर करने जाते हैं वहाँ आपको पत्रकार जिए तो जिए कैसे। और आपके दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ लिख दिए आप तो फिर आप केस के झंझट में भी पड़ सकते हैं। तो प्रशासन के लोग तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, अच्छी बात है। वो मैं कह रहा हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज आपने पूछा कि आज के पत्रकारिता कैसी है। राष्ट्र निर्माण में तो बहुत बड़ा रोल है, वही सवाल है आज का टॉपिक वही। हाँ तो वो नहीं, मैंने आपका पत्रकारिता का स्थिति पर बात कर रहा था, लेकिन राष्ट्र निर्माण में आपको मैं बताऊं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और इसका बहुत बड़ा योगदान आजादी के बाद से ही हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद। बताइए मैडम जी, प्रश्न क्या है? राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता चूंकि चौथा स्तंभ कहलाता है तो रोल तो बहुत बड़ा है, बशर्ते कि इसमें औपचारिक रूप से आप लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए, पर्सनली नहीं प्रोफेशनली, इसको आप कैसे निभाते हैं, है ना। रोल तो इतना बड़ा है कि जब ढोलक नगाड़े बजा करके लोगों को बताया जाता था तब भी वो एक तरह के मीडिया ही होते थे, और आज अखबार के बाद ये जो सोशल मीडिया है, टीवी है, ये भी एक तरह की पत्रकारिता ही है। तो एक एक लोग तक, चाहे वो समूह के लोग हों या डायरेक्ट आप संपर्क स्थापित कर रहे हो या फिर कार में भी जा करके आप किसी के अगर कुछ बोल रहे हो तो ये भी एक तरह की पत्रकारिता है। तो रोल तो इतना इतना वृहत है कि उसका तो फिर कुछ ये नहीं है, बशर्ते कि आप अच्छे से इसको निभा पाए। शुक्रिया। राष्ट्र निर्माण में जो रोल है पत्रकारिता का वो बहुत बड़ा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरे साथ बहुत पुराने पत्रकार भी हैं। सर ये बताइए, जो टॉपिक है आज का राष्ट्र निर्माण में मीडिया क्या रोल है? राष्ट्र निर्माण में तो मीडिया का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ा कमी आ गई है, दरार हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अपने आप आचरण को सुधारना, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना ही सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। आज पत्रकारिता बिल्कुल उसको क्या कहिएगा, कुछ लोगों के कॉरपोरेट घराने के हाथों में चला गया है, जो खास कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया पर भी इसका असर पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पत्रकारों की भूमिका, जो फसल में काम करते हैं उन पत्रकारों की जो भूमिका है वो बेचारा बन के रह गया है, और वो बिल्कुल जो कॉरपोरेट घराने के अंदर में जो कार्यरत हैं तो उनके हिसाब से उनको समाचार संकलन करने की जरूरत पड़ जाती है। जो स्वतंत्र न्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, हाँ, जो कुछ स्वतंत्र पत्रकार है, जो आपको इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फ्रीलांसर, हाँ, फ्रीलांसर लोग जो हैं वो आज भी उसको जिंदा रखे हुए हैं, या सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है वो पत्रकारिता की गरिमा को बनाए हुए हैं, रियलिटी लेके आ रहे हैं। हाँ, वो रियलिटी देते हैं और वास्तविकता को लोगों से रूबरू करवाते हैं। आज भी मीडिया पर बहुत भरोसा लोगों को है, अगर मीडिया पर भरोसा नहीं होता तो जितना अखबार आज हम देख रहे हैं और पाठक लोग हैं विश्वास करके करते हैं, लेकिन उनकी भी लाचारी है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन उसी में समीक्षात्मक बात होती है। पाठक अब समीक्षा करने लग गए हैं कि कौन पत्रकार क्या लिख रहा है, कौन मीडिया क्या दिखा रहा है, वो समीक्षा करके निकाल लेता है कि इसमें वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, इसमें गलत क्या है, हाँ वाइस्ट हो गया है, लेकिन लाचारी में वो देखना है, टीवी देखना है तो देखना है ना, वही व्यस्तता है। तो यही है, अलग अलग लोग बता रहे हैं कि पत्रकारिता में क्या रोल है और लोगों से जान रहे हैं। सर थोड़ा सा अगर एक तो टॉपिक यही है कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया क्या रोल है, वही चल रहा है। अच्छा, राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या रोल है? तो ऐसा ही सवाल है कि इंसान को भोजन करना चाहिए या नहीं, और भोजन से उसको क्या फायदे होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक इंसान को सीखने और समझने के लिए। जैसे जब आप बचपन में घर में होते हैं तो माँ बाप आपको सिखाते हैं, वो परवरिश होती है, और फिर वही रिफ्लेक्शन पूरे जीवन में आपको दिखता है। और फिर आप जब बड़े होते हैं तो आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ फिर आपको वो जीवन में वो आपको करियर चुनने में एक मेन भूमिका निभाता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं या समाज इस ओर जा रहा है,
या परवरिश पर सारी चीज़ों पर अगर कोई नज़र रख सकता है, एक एक घटनाक्रम पे जो नज़र रख सकता है, वो कौन नज़र रखता है? वो काम पत्रकार का होता है। पत्रकार के दायरे में सभी आते हैं। आप प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखते हैं, एक प्यून के बारे में भी लिखते हैं, एकदम आम आदमी जो बेरोजगार है उसके बारे में लिखते हैं, और एक आईएएस ऑफिसर जो है उनके बारे में भी लिखते हैं। तो जब समाज के हर लोग आपके उस दायरे में हैं और आपको पैसा या आपको वेतन इस बात के लिए मिलता है कि आपको सवाल करने, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जवाबदेह है, जवाब देने के लिए है, लेकिन एक पत्रकार का जो जॉब है वो है कि आपको सवाल करना है, और सवाल होना चाहिए जायज, और सवाल होना चाहिए किसी भी तरह के लाग लपेट से अलग, और किस ऐसा नहीं कि हम सवाल जो कर रहे हैं वो किसी के ये में आके कर रहे हैं, यानी अस्पष्ट और साफ। तो जब इतनी जिम्मेवारियों को लेकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति के भरोसे पे आप होते हैं, समाज का इंसान जब सब तरफ से हार जाता है तब वो पत्रकार के पास आता है। उनको लगता है यहीं से काम होगा, ये उनको लगता है। तो ये जो विश्वास है, ये बहुत एक पतली सी रेखा है। इस विश्वास को बचाए रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है हम पत्रकारों, इसीलिए रोल मतलब बड़ा है क्योंकि लोग अभी भी भरोसा कर रहे हैं। ये आप अभी भी देखिए कि सोशल मीडिया पर कोई भी छोटी सी खबर सबसे पहले आती है, लेकिन आज भी विश्वास का ये हाल है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि अगले दिन किसी अखबार में या किसी पोर्टल में वो चीज़ें नहीं आ जाए। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास नहीं, एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हर पत्रकार पर, और ये जब तक आप बचाए रखे हैं समाज को बदलने में आपका हाथ रहेगा। जिस दिन ये आप खत्म कर देंगे फिर आपका प्रभाव, तो पूरे समाज के लिए सबसे जरूरी है कि आप, और आज सबसे बड़े चिंता का विषय हमारे लिए। तो जैसे हम लोग अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों का जो रोल है, राष्ट्र निर्माण में मीडिया का रोल है क्या है आपके साथ? देखिए, हम मीडिया का रोल राष्ट्र निर्माण में क्या, जो हम समाज की निर्मित करते हैं, जिले को बेहतर करते हैं, राज्य को बेहतर करते हैं, उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है, और हम लोगों को एडवोकेट करते हैं। आप हमको सोशल एडवोकेट बोल सकते हैं और सोशल टीचर बोल सकते हैं। सोशल एडवोकेट इसलिए कि हम आपको आपके अधिकारों की जानकारी देते हैं, जो नौकरशाह आपसे छुपा के रखते हैं उन चीज़ों को हम उजागर कर देते हैं, तो आप एडवोकेट हो जाते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं और उन अधिकारों की मांग करते हैं। तो हाँ, हम एडवोकेसी की बात करते हैं, आपके एडवोकेट बन जाते हैं, सोशल एडवोकेट। और जब हम अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को, समाज में कुछ हुआ है, एक लिमिटेड क्षेत्र में है, उस अच्छी बातों को लाते हैं और सबों के सामने परोसते हैं, तो उससे लोग मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ, इसने अच्छा किया, हमें भी अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे करके हम उनको जागरूक करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए, और समाज के लिए अच्छा करना यानी राष्ट्र के लिए अच्छा करना। तो हम उनको जागरूक करते हैं और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही जो नौकरशाह हैं या जनता है, उनसे गलती होती है तो उसको भी हम लोग छापते हैं, और उससे सीख लेने की जरूरत है। सीख बताते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो जैसा इसके साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी होगा, यानी गलत कार्यों को रोकते हुए अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करके हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बड़ा रोल है मीडिया का, बिल्कुल बड़ा। देखिए किस तरह से मुरारी जी ने बताया, विस्मय जी ने बताया, और भी पत्रकार यहाँ पे हैं, युवा पत्रकार हैं, बहुत लोग हैं जो बता रहे हैं। क्या हुआ मैडम, कुछ बोलना है आपको? मैं गीता सिंह और संवाददाता, मैं गीता सिंह संवाददाता हजारीबाग मोबाइल मीडिया से हैं, और राष्ट्र के निर्माण में हमको लग रहा है महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की जो दृष्टि है वो महिला का जो एक ममता का जो दृष्टि है उसी दृष्टि से वो पत्रकारिता का जो रोल आगे करेगी वो रहेगी। पुरुष लोग महिला के बारे में नहीं लिख सकते हैं क्या? महिला के बारे में लिख सकते हैं, पर उसका जो एक भगवान का दिया हुआ जो है, एक तो ममता और ये जो है वो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ही है,
उसी दृष्टि से उसके साथ जी रही है महिला, उस समस्याओं को झेल रही है, तो उस मुद्दा को लेने में उनको काफी सहयोग मिलता है। आपके हिसाब से क्या है महिलाओं का सबसे बड़ा समस्या क्या? महिलाओं की समस्या है कि जैसे घरेलू हिंसा वगैरह है जो आंतरिक अंदर में होता है, वो पुरुष तो नहीं झेल रही, महिला झेल रही है। तो उस तरह का अगर जो पत्रकारिता में जो आता है तो वो उसको बहुत सरलता से ले सकती है और समझ सकती है, क्योंकि वो जी रही है। इसलिए राष्ट्रीय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ महिला पत्रकार भी हैं, पुरुष पत्रकार भी हैं, हर प्रखंड से यहाँ पत्रकार आए हैं, और महिलाओं का क्या योगदान है वो बता रही थी और बाकी कुछ भी बता रहे थे। लेकिन आज जो है नेशनल प्रेस डे में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है हजारीबाग में, जिसमें राष्ट्र निर्माण में मीडिया क्या रोल है, हमने अलग अलग पत्रकारों से जाना, बात किया और देखा कि जो ऑन नेशनल प्रेस डे में चल रहा है प्रोग्राम राष्ट्र निर्माण में मीडिया क्या रोल था वो जानने की कोशिश की। और भी है, दिन भर आज ये कार्यक्रम रहेगा, पूरे इंडिया में पूरे देश में ये कार्यक्रम बन रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक थे, लेकिन यहाँ जो टॉपिक था राष्ट्र निर्माण में मीडिया क्या रोल है, आप देखिए क्या सच में मीडिया का इतना बड़ा रोल है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही है जो हर जगह सवाल जाके पूछती है, हर मुद्दे पे खड़ी होती है, और रहना भी चाहिए क्योंकि उनका वही काम है। अगर हम किसी मुद्दे को दिखाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो पब्लिक के हित में हो या ना हो, अगर हम दिखाते हैं तो वो हमारा काम है, मीडिया कर्मी का काम है, प्रेस का यही काम है कि जो भी गंदगी समाज में फैली है उसको उजागर करना है, जो क्राइम चल रहा है उसको उजागर करना है। इसमें आप जनता जो है वो मीडिया को सहयोग करें और सपोर्ट करने में, ये नहीं कि अगर वो कुछ दिखा रहे हैं तो उनको आप सपोर्ट ना करें। तो यही बड़ा मनोबल मीडिया कैसे बढ़ता है, जब आप सपोर्ट करते हैं मीडिया अच्छा काम करती है। हाँ, जब मीडिया गलत काम करे तो उन्हें आप रोकिए, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मीडिया का काम ही यही है, अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ लिखना, उसके खिलाफ रिपोर्ट करना, ये उसका काम है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके मीडिया काम करती है, जो भी गलत करता है, जो भी काम समाज में ऐसा होता है जिसको लगता है कि पब्लिक के सामने लाना चाहिए, वही काम है मीडिया का, और यही वही काम है, वही काम उससे छीन लेंगे तो वो करे क्या दिन भर। तो आज हम लोग आए थे नेशनल प्रेस डे में, स्नो वैली कुछ होटल है वहीं पे प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी तमीम फैजी के साथ, जोहार हजारीबाग।